यह खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत में हैरतअंगेज हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ एक मकान की बालकनी अचानक से ढह गई और बालकनी पर खड़ी बुजुर्ग महिला सीधे नीचे आ गिरी। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक मकान की बालकनी गिरी और इस पर खड़ी महिला बालकनी के साथ कई फीट नीचे आ गिरी। हादसे में 80 साल की महिला को काफी चोटें आई हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एक महिला दीवार के साथ नीचे गिरती नजर आ रही है। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जो वीडियो है सूरत के वराछा इलाके का है और ये जो तस्वीर है वो रूपा अपार्टमेंट जो नाम है वराछा इलाके में, वो वहीं की तस्वीर है। और जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल जो जिसे कह सकते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पे थी, वहाँ जो महिला मधुबेन नाम की महिला थी, वो कपड़े जो सूख चुके थे उनको उठाने का काम कर रही थी। उसी वक्त दीवार जो है अचानक नीचे आ गिरती है और दीवार के साथ ही मधुबेन भी ऊपर से नीचे आ गिरती है। सारी तस्वीरें, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें कैद हुई। और हम आपको बता दें कि जर्जरित बिल्डिंग को लेकर पहले महानगर पालिका नोटिस दे चुकी है, बावजूद इसके यहाँ पर किसी तरह का रीडेवलपमेंट कार्य नहीं किया गया था। और जब दीवार गिरी तो यहाँ जो दुकानें हैं वो शुरू थी और जो मलबा है वो पतरे के ऊपर गिरा था, जिससे किसी तरह का जो नीचे लोग मौजूद थे उन्हें चोट नहीं पहुंची है। और जो मधुबेन है वो अस्पताल में भर्ती है, उनके जो बेटे हैं हमारे साथ मौजूद है, हम उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर अभी उनकी कंडीशन कैसी है और किस तरह से पूरा हादसा हुआ। मधुबेन कपड़े लेने के लिए गैलरी में आए थे और गैलरी की दीवार उसी के साथ गिर गई है और अभी वो अस्पताल में स्टडी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी वगैरह टूटी हुई है, हेड इंजरी वगैरह हुए, लेकिन अभी स्टडी है। काफ़ी 15 दिन अस्पताल रहेंगे और उसके बाद आएंगे अस्पताल से। जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी जर्जरित बिल्डिंग की ये बाउंड्री वॉल हो चुकी है। महानगर पालिका ने किस तरह से पहले कार्रवाई की थी और आज क्या करके गई? महानगर पालिका ने पहले 6 महीने में नोटिस दी थी, उसके बाद ये पूरी बारिश की वजह से काम चालू नहीं करवाया। अभी बारिश बंद होने की वजह से काम चालू करवाने की गिनती कर रहे थे, उसी के बीच ये हादसा हुआ है। बराबर है, इसमें एसएमसी अभी जो पुराने बिल्डिंग का जो पुराना हिस्सा है वो काफ़ी तोड़ ही रही है, बराबर है। और उन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए बता दिया कि आप, हम तोड़ रहे हैं, आप रीडेवलपमेंट के लिए तैयार कर दे दूसरे दिन। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि मधुबेन जो इस हादसे में चोटिल हुए हैं वो अस्पताल में भर्ती है, उनका उपचार चल रहा है। दूसरी तरफ महानगर पालिका ने इसी वर्ष के 6 महीने में इनको नोटिस दिया था कि इसको रीडेवलप किया जाए और जो जर्जरित हिस्सा है उसे तोड़ा जाए। हालांकि महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग का जो बाकी जर्जरित हिस्सा था वो आज तोड़ दिया है। कैमरामैन साहिजक आपके साथ, संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।